देख सकते हो मेरा बाइक को अपनी साइड से चमका रहे हैं भैया। ठीक है भैया निकलते हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लगा। तो गैस अभी मेरा बाइक को लेके गया है गैस टेस्ट ड्राइव करने के लिए। तो गैस ये हम लोग अभी देख सकते हैं। तो अभी गैस हम धुरवा डैम के पास रुके हुए हैं, थोड़ा सा ठंडा हवा का मजा लेते हैं। है गैस वेलकम टू बैक माय न्यू एपिसोड ब्लॉग। आज मेरा न्यू ब्लॉग शूट होने वाला गैस। आज हम लोग जा रहे हैं रांची, मेरा NS 200 का सर्विसिंग कराने के लिए। हम लोगों का मेरा 6 मंथ हो रहा है, हम सर्विसिंग नहीं कराए हैं गाड़ी का, और हम अभी जा रहे हैं रांची पंद्रह शोरूम। तो अब हम निकल रहे हैं गैस यहाँ से। फुल सेटअप गैस भी हो चुका है रेडी, और हम गैस आज अकेले जा रहे हैं राइड पे। और हाँ कुछ समय लगेगा गैस शोरूम में, क्योंकि मेरा बाइक को सर्विसिंग भी कराना है और शोरूम से बार बार कॉल आ रहा था। और गैस देख सकते हैं जो मेरा है NS 200। गैस हम जा रहे हैं, इसी से जा रहे हैं हम रांची। तो गैस आप चलिए गैस, मिलते हैं रास्ते में। तो फाइनली गैस हम घर से निकल चुके हैं गैस। तो गैस देख सकते हैं झारखंड में किस टाइप से गैस देखने को मिलता है गैस, हरा भरा जंगल पहाड़ सब, क्योंकि यहाँ केवल जंगल केवल है भगवान पेड़ का ही। तो फाइनली गैस हम अभी पहुँचे हुए हैं बाला मोड़, और यहाँ देख सकते हैं इधर लेफ्ट भी है राइट भी है रास्ता, हमको जाना है सीधा की ओर। तो गाइस देखते हैं गाइस गाड़ी का टॉप स्पीड कितना है उसको, और टॉप गियर में भी है गाड़ी। ओ भाई 112 पहुंच चुका है गाइस, 130 का लिए गाइस टारगेट। अब पूरा होता है कि गाइस देखते हैं 110। ओ भाई तो गाइस यहाँ पे एक देख सकते हैं मस्त प्लेस भी है देखने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा खतरा भी है, इसलिए गाइस हम यहाँ पर रुकते नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होने पर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और आगे में देख सकते गाइस ये स्टेप्स दिख रहा है। तो फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं गाइस कर्रा, और हमको अभी यहाँ से जाना है राइट। और देख सकते हैं यहाँ पर किस टाइप से घुमावन है यहाँ। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं गाइस किस टाइप से पूरा हरा भरा दिख रहा है, और कितना गाइस इधर गाइस जो झारखंड में ना गाइस वो घूमने का गाइस मजा ही अलग है, बहुत ही मजा जो होता है ना, हम जन्नत जन्नत है झारखंड में। तो गाइस हम आज राइड पे निकले हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा जगह देखने को मिल रहा है गाइस जंगल में। और रास्ते में गाइस छोटे मोटे गाड़ी आ जाते हैं ना, बहुत खराब लगता है। तो फाइनली गाइस हम धुरवा होके ही जा रहे हैं, और अभी यहाँ का देखते हैं गाइस किस टाइप से माहौल है आज। बट यार हम मेरे को गाड़ी सर्विसिंग भी कराना है, हम यहाँ भी रुक सकते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ होगा तो लेट गाइस, तो शाम हो सकती है शोरूम में, इसलिए हमको 2 बजे का समय दिया गया है गाइस कि पहुँचना है, नहीं तो शाम हो सकती है। और गाइस हम एक रास्ता में घुस चुके हैं, जहाँ धुरवा से आगे की ओर एक लेफ्ट साइड में है, और हमको पता नहीं है कि ये रास्ता कहाँ जाता है उसको। तो फाइनली गाइस हम जिस रास्ता में आए हुए हैं वो रास्ता डायरेक्ट हम लोग को रिंग रोड ही निकाला, और ये रास्ता हमको पता भी नहीं था। और गाइस क्या था किसी का कॉल आ रहा है। तो गाइस एक मेरा कॉल आया हुआ था, वो भी शोरूम से आया हुआ था, वो मैं पूछ रहे थे कि आप कहाँ पहुँचे हैं बोल के, तो हम बता दिए गाइस हम आपका शोरूम आधा घंटा में पहुँचने वाले ही हैं। तो गाइस अब चलिए गाइस मिलते हैं शोरूम में। तो गाइस हम बजाज शोरूम गाइस अब पहुँचने वाले ही हैं और अभी और एक बार मैम कॉल की थी। तो देखते हैं गाइस, देख सकते हैं किस टाइप से गाइस गुजरना पड़ता है गाइस रांची शहर में। तो हम गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाइस बजाज शोरूम। और गाइस देखिए, और अभी गाइस मेरा बाइक का सर्विसिंग होगा। तो गाइस अब ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। ये है अंकल लोग हैं। उसका 100 रुपया लगेगा और ब्रेक व्रेक चेक कर देगा, क्लच व्लच मिला देगा, ठीक है। सर्विसिंग में जो भी होता है पलक उलक साफ कर देगा, फिल्टर ठीक है ना, ठीक। तो गैस जो मेरा बाइक लाए तो उसका मोबाइल टॉपअप गैस और आज होगा। और जो मेरा एक भैया से पूछे तो वो बताया कि अभी मोबाइल टॉपअप भी आते करा लो बोल के। तो ये सब थोड़ा वेट करना होगा, कितना बजे देगा ये लोग मोबाइल टॉपअप करके वो भी नहीं पता। और गैस हम लोग को मिल रहा है गैस सिविंग बिल मिल रहा है, बिल में कितना वेट करेंगे वो भी नहीं पता। तो गैस हमको रिसीविंग मिल रहा है, रिसीविंग मिलने के बाद ये रिसीविंग आप साइन कर दीजिएगा, अच्छा ठीक। तो गाइस आप लोगों ने खाने वाले हैं आगे का जो मेरा बाइक कहाँ पर खड़ा हुआ है और सब गाइस चल रहे हैं लंच के लिए। और ऐसा ही है मेरा बाइक, सब गाड़ी बहुत खड़ा है गाइस। अब कब तक होगा हमको टाइम मिला है, 3 बजे तक मिल जाएगा हमको मेरा बाइक। तो वैसा थोड़ा सा वेट करते हैं 3 बजे तक। तो वैसा चलिए गाइस मिलते हैं। तो पहले गए सब अकेले बैठे हुए थे, काफ़ी बोर लग रहा था। हम थोड़ा सा बाजार बाहर की ओर घूमने के लिए, अकेले काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहा था। और मेरा बाइक सब है और मेरा बाइक जब तक हुआ नहीं है गए सर्विसिंग। हमको बोला है कि आपको 3 बजे तक दे देंगे बोला है। अब वो लोग कब तक रहेगा गाइस वो भी नहीं पता। काफ़ी यार अंदर बहुत बोरिंग लग रहा, थोड़ा सा इधर हवा भी गई, थोड़ा सा गर्म हवा ही चल रहा है। तो गाइस देख सकते हैं जो मेरा बाइक सर्विसिंग होके बाहर निकल चुका है, पूरा फ्रेश होके। तो गाइस आगे हम देख सकते हैं जो मेरा NS 200 बाइक आ रहा है और जस्ट ट्रैक के लिए ये जा रहा है गैस चेक करने कुछ फॉल्ट है कि नहीं गाड़ी बाइक में। तो गैस अभी मेरा बाइक को लेके गया है गैस टेस्ट ड्राइव करने के लिए और अभी मेरा गाड़ी में क्या फॉल्ट है क्या नहीं अभी वो बतलाएगा वो मिस्त्री अभी। तो गैस अभी जो मेरा गाड़ी का अभी 6 मंथ ही हुआ है और वैसा कुछ ख़राब हुआ नहीं है गैस। एक ABS का रिम होता है गैस वो कुछ थोड़ा सा बेंड हो चुका है, इसलिए गाड़ी आवाज़ कर रहा था। तो गैस आप चलिए आप देखते हैं वो जो मेरा बाइक को लेकर आता है कब। तो गैस अभी हम लोग यहाँ बिल पे हो रहा है, अब बिल कितना का बना है वो भी नहीं पता गैस। अब ये हम लोग का बताएंगे मैम। जो मेरा बिल हो चुका है 165 का, अब अभी ये हम करना होगा बिल पे। कितना मैम बोले? 165। 165 165 हो चुका है गाइस। तो गाइस ये हम लोग का बिल देख ही सकते हैं देख सकते हो जो मेरा बाइक अपनी साइड से चमका रहे भैया। ठीक है भैया निकलते हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लगा। आज फिर मिलते हैं भैया। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं धुरवा डैम। तो अभी गाइस हम धुरवा डैम के पास रुके हुए हैं, थोड़ा सा ठंडा हवा का मजा लेते हैं, उसके बाद गाइस निकलेंगे थोड़ा। फाइनली गाइस अभी हम शोरूम से निकले, उसके बाद गाइस हम पहुंच चुके हैं धुरवा डैम। धुरवा डैम में गाइस देख सकते हैं बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ठंडा हवा का मज़ा लेते हैं गाइस। काफ़ी अजीब फील आ रहा था और काफ़ी बोरिंग सा लग रहा था। गाइस देख सकते हैं जो मेरा बाल किस टाइप से हो चुका है, बाल ख़राब हो चुका है गाइस। एक होता है कवर, वो पहने हुए थे तो उसी को लेके पूरा बाल ख़राब हो चुका है गाइस। अभी तो कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बैठे हुए तो ठंडा हवा भी आ रहा है। यहाँ बहुत भी हॉर्न मार रहा है, अभी यहाँ ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है, अब हमको घर भी निकलना है। मेरे घर की ओर, क्योंकि घर निकलना भी ज़रूरी है, नहीं तो शाम हो जाएगा तो घर में डांट भी मिलता है मेरे को, इसलिए। और जो मेरा बाइक गाइस वहाँ पर खड़ी हुई है, माई ड्रीम गर्ल। बहुत दिक्कत है गाइस, ये हेलमेट भी अच्छा से पकड़े नहीं है। तो देख ही सकते हैं गाइस जो मेरा बाइक, ये है मेरा बाइक गाइस। तो चलिए गाइस आप लोग हम मिलते हैं अब रास्ते में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कर्रा का, ये भी गाइस कर्रा ही में आता है बट इसका नाम नहीं जान रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ था, एक रेल पार हुई शायद बोल गए। और पूरा आज यहाँ बाज़ार ही है। अब हम घर पहुँचने वाले हैं, कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे घर। तो फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं। आज हम गए थे रांची जो मेरा बाइक को सर्विसिंग कराने के लिए, और वहां गाइस गए तो एक रोड में गाइस एक फोर व्हीलर था, वहीं जब यार गेट थोड़ा सा खोलिए था, एक थोड़ा सा के लिए बच गया, नहीं तो मेरा गाड़ी क्रैश हो जाता और हम भी गाइस कहीं पर चोट लगते हैं। और वहाँ सर्विस सेंटर गाइस गए शोरूम का, बचा शोरूम का वहाँ गए गाइस। वहाँ का जो सर भैया लोग थे, उन लोग से मिले, बहुत ही अच्छा लगा। वो लोग बोला आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा गाइस। तो हम रांची से गाइस जस्ट पहुँचे हैं गाइस, तुरंत ही पहुँचे हैं। तो गाइस हम सेफली घर पहुँच चुके हैं और आज का ब्लॉग यहीं पर अंत करते हैं और आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।